हेलो एवरीबडी वेलकम टू माई चैनल दिस इज प्रोफेसर इवनीत सो टुडे आई एम गोइंग टू कवर अप सर्टिफाइंग अथॉरिटी इससे पहले मैंने आई टी एक्ट का पार्ट वन भी बनाया है जिसमें मैंने डेफिनेशन कवर अप की हैं उस वीडियो का लिंक जो है आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा और हाँ मैंने इससे पहले भी बिजनेस लॉ की कंपनी लॉ की स्टैटिस्टिक्स की बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं उन सबकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा और हाँ अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरीज देखना अच्छा लगता है तो मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप लोग चेक कर लीजिएगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड अब सबसे पहले के पढ़ने से पहले हमें गवर्नमेंट तो की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ होता है कि वो आगे लोगों को डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है ठीक है तो अगर किसी पर्सन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए तो वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी से ही ले सकता है किसी और पर्सन से नहीं ले सकता है ओके अब कुछ इंडिया में कुछ लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इशू करती हैं वो कौन कौन सी हैं सेफ स्क्रिप्ट एंड कोर्स सोल्यूशंस ई मुद्रा कैप्रिकॉन इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी तो आप ये एग्जाम्पल्स लिख के आ सकते हैं एग्जाम में आपका आंसर ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा अब आ जाओ क्या प्रोविजन है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के रिगार्डिंग क्या लीगल प्रोविजन्स है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सेक्शन सेवनटीन जो है वो क्या कहता है आई टी एक्ट का अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स ठीक है तो सबसे पहले क्या होता है कंट्रोलर को अपॉइंट किया जाता है जो कि कंट्रोलर होता है हमारा सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का अब इस कंट्रोलर को कौन अपॉइंट करता है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन इशू करके ओके और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो वो उसी नोटिफिकेशन के थ्रू डिप्टी कंट्रोलर भी अपॉइंट कर सकती है असिस्टेंट कंट्रोलर्स भी अपॉइंट कर सकती है अगर उसको लगता है ओके अब कंट्रोलर का क्या काम होता है वो वो फंक्शन फॉलो करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बोलती है करने के लिए तो जो कंट्रोलर है वो किसके अंडर काम करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है अब डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर या फिर जो बाकी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसके अंडर काम करते हैं वो कंट्रोलर के अंडर काम करते हैं वो वो सारे फंक्शंस फॉलो करते हैं जो उनको कंट्रोलर असाइन करता है अब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस टर्म्स कंडीशंस और सर्विस ऑफ कंट्रोलर या डिप्टी कंट्रोलर इन सब की क्वालिफिकेशन क्या होंगी क्या एक्सपीरियंस होगा इन सब की कंट्रोलर की डिप्टी कंट्रोलर की असिस्टेंट कंट्रोलर की ये कौन प्रिस्क्राइब करेगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी प्रिस्क्राइब करेगी कि कंट्रोलर का हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस किस जगह पे होगा जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगेगा वो वहीं पे उस कंट्रोलर का हेड ऑफिस एस्टेब्लिश करेगी ओके और जो कंट्रोलर है उसके ऑफिस की एक सील भी होगी जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगाई जाएगी सील होता है मोहर नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ कंट्रोलर ये सेक्शन 18 के अंडर आता है अब फंक्शन क्या क्या काम करना होता है कंट्रोलर को क्या फंक्शन फॉलो करने होते हैं उसको सबसे पहला काम उसका होता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को सुपरवाइज करना उनको देखना कि क्या वो काम सही से कर रही हैं ठीक है ठीके? उनकी पब्लिक कीज को चेक करना कि क्या वो सही से की सब इशू कर रही हैं ठीक है ठीके? उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करना सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लिए कि आपको ये ये चीज़ें पूरी करनी है ठीक है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के लिए क्वालिफिकेशन सेट करना एक्सपीरियंस सेट करना कि एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है ठीक है स्पेसिफाइंग द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सर्टिफाइंग शेल कंडक्ट देयर बिजनेस कि वो अपना बिजनेस कैसे करेंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज ये भी आ, कौन सेट करता है कंट्रोलर सेट करता है स्पेसिफाइंग द कंटेंट्स ऑफ रिटर्न प्रिंटेड और विजुअल मटीरियल्स और एडवर्टीजमेंट दैट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड और यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी कोई एडवर्टीजमेंट करना चाह रही है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ठीक है तो उस, आ, उसके क्या कंटेंट्स होंगे उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो कौन डिसाइड करेगा वो कंट्रोलर डिसाइड करेगा स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग अथॉरिटी आगे लोगों को इशू करेगी उस फॉर्म के क्या कंटेंट्स होंगे उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाएंगी ये सब कौन डिसाइड करेगा कंट्रोलर डिसाइड करेगा नेक्स्ट इज स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड मैनर इन विच द अकाउंट शेल बी मेंटेन कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज अपने अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करेंगी ठीक है क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी ऑडिटर्स की ऑडिटर्स कैसे अपॉइंट होंगे ऑडिटर्स की कितना रेमिनरेशन होगा कितनी सैलरी होगी ठीक है एंड फेसिलिटेटिंग दफ़ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ठीक है अगर कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम स्टैब्लिश करना चाह रही है या तो वो अकेले इस्टैब्लिश करना चाह रही है या फिर वो किसी और सर्टिफाइंग अथॉरिटी के साथ मिलकर इस्टैब्लिश करना चाह रही है तो उसमें हेल्प कौन करेगा कंट्रोलर करेगाफाइंग द मैनर इन विच सर्टिफाइंग अथॉरिटी शेल कंडक्ट दियर डीलिंग वो बताएंगी कि अपने सब्सक्राइबर्स के साथ सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैसे डील करेगी क्योंकि सब्सक्राइबर कौन होते हैं जो भी पर्सन सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लेने के लिए आएगा उसे हम सब्सक्राइबर बोलते हैं ठीक है तो जब कोई आएगा तो उसके साथ आपको डील तो करना ही पड़ेगा ना तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसके साथ कैसे डील करेगी उसका मैनर भी कौन बताएगा कंट्रोलर बताएगा इन केस अगर कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी और सब्सक्राइबर के बीच में कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है कोई लड़ाई हो जाती है तो उसको भी सॉल्व कौन करेगा कंट्रोलर करेगा और क्या ड्यूटीज होंगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी की ये भी कंट्रोलर ही बताएगा मेंटेनिंग में डेटा बेसक्लोजर रिकॉर्ड ऑफ एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन विच शैल बी असिबल टू पब्लिक अब कंट्रोलर क्या करेगा एक डेटाबेस मेंटेन करेगा डेटाबेस होता है जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन लिखेगा कि कितनी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है कौन कौन है सर्टिफाइंग अथॉरिटी उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन वो अपने डेटाबेस में लिखेगा कंट्रोलर और वो डेटा ऐसा होगा कि जो पब्लिक को एक्सेसिबल होगा पब्लिक उसे कभी भी चेक कर सकती है ओके okay? तो ये थे हमारे फंक्शन के कई बार फाइव मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कि कंट्रोलर के क्या फंक्शंस हैं तो आपको ये सारे लिखने हैं अब आ जाओ सेक्शन 19 रेकग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज ठीक है अब कंट्रोलर को अगर लगता है वो कि मतलब किसी भी फॉरन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को सर्टिफाइंग अथॉरिटी बना सकती है अगर उसको लगता है लेकिन वो तभी कर सकती है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोलर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेगा और ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन पास करेगा तभी वो एक फॉरन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को सर्टिफाइंग अथॉरिटी घोषित कर सकती है अगर एक फॉरन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को सर्टिफाइंग अथॉरिटी मान लिया गया बना दिया गया तो उस फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी की तरफ से जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा वो उतना ही वैलिड होगा जितना एक आ, जो फॉरेन नहीं सर्टिफाइंग अथॉरिटी जब सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉरेन की नहीं है आ, मतलब उतना ही वैलिड होगा जितना कि वो इशू करेगी ओके okay? मीन्स अगर आपने एक बार फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को प्रूव कर दिया तो उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जितने भी इशू किए जाएंगे वो सारे के सारे वैलिड होंगे द कंट्रोलर में इफ ही सेटिस्फाइड दैट एनी सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज कंट्रावेंट कंट्रावेंट का मतलब होता है तोड़ना ठीक है एनी ऑफ द कंडीशन अगर आपने किसी भी कंडीशन को तोड़ा या फिर लॉ के रिगार्डिंग जो एक्ट में गिवन है अगर आपने उसे पूरा नहीं किया तो क्या कर सकता है कंट्रोलर वो रिटन रिकॉर्ड में ठीक है मतलब वो लिख लेगा कि क्या रीजन की वजह से अगर उसे लग रहा है कि फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो वो रिटर्न रिकॉर्ड में मतलब वो लिख के ये बताएगा कि हम इसका जो लाइसेंस है कैंसिल कर रहे हैं या फिर उसकी जो रेकग्निशन है उसे रिवोक कर रहे हैं मींस कैंसिल कर रहे हैं अब ये फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी हमारी सर्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं है लेकिन उसके लिए उनको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो और उसके लिए भी ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन पास करवाना पड़ेगा नेक्स्ट इज लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ठीक है अब अब देखो कोई भी पर्सन अगर वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनना चाहता है तो उसके लिए उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा किससे जाके कंट्रोलर से एनी पर्सन मैन कैन मेक एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर लेकिन उसके लिए उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनने के लिए उसे कंट्रोलर के पास जाके एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी कि मुझे लाइसेंस दे दिया जाए कि मैं आगे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर सकूँ नो लाइसेंस शैल बी इशूड अंडर सबसे

बनने के लिए जो लाइसेंस मिलेगा कि हाँ आगे इशू कर सकते हो आप वो कितने पीरियड के लिए वैलिड होगा वो उतने पीरियड के लिए वैलिड होगा जितना सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी और अगर एक पर्सन को सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनने का लाइसेंस मिल गया तो वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा मतलब ऐसा नहीं कि आपने जाके किसी और को दे दिया तो वो उसका हो गया लाइसेंस ऐसा नहीं है और ना ही हेरिटेबल होगा हेरिटेबल का मतलब होता है कि फादर को अगर मिला है लाइसेंस तो ऐसा नहीं है कि अगर फादर की डेथ होगी तो अपने बेटे को दे देगा तो वो ट्रांसफरेबल नहीं है किसी भी हाल में ठीक है अगर उसके बेटे को चाहिए होगा तो उसे दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ बी सब्जेक्ट टू तो सर्च टर्म्स एंड कंडीशन और उसे सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी जो कि हमारे एक्ट में रेगुलेशन में गिवन है देन नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस ठीक है अब एवरी एप्लीकेशन फॉर द इश्यू ऑफ लाइसेंस शेल बी इन द फॉर्म अब जो एप्लीकेशन आपने फाइल करी है कंट्रोलर के पास सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनने के लिए ठीक है वो एक फॉर्म में होनी चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखा है कि कोई फॉर्म होगा ना एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए तो आपको वो फॉर्म फिल करके भरना पड़ेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है ठीक है एवरी एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ लाइसेंस अब उस एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको लगाना है सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट ये ऐसी स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि आप पब्लिक की सर्टिफिकेट को कैसे आप मैनेज करेंगे और आप कैसे इशू करेंगे ठीक है इस स्टेटमेंट में ये बताया जाता है ये स्पेसिफाई किया जाता है ठीक है और आप एक आइडेंटिटी प्रूफ देंगे अपना ठीक है साथ में आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा जो अप्लाई करेगा और आपको फी पे करनी पड़ेगी जो कि 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकती मतलब 25,000 तक आपको फी पे करनी पड़ेगी ठीक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करी है और उसके साथ आपको और भी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डॉक्यूमेंट बोला है देन अब आपको लाइसेंस मिल गया है ठीक है लाइसेंस आप काम भी कर रहे हो एज अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी ठीक है अब रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस अब लाइसेंस कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है ना तो अगर आप रिन्यू करवाना चाहते हो अपने लाइसेंस को लाइसेंस खत्म होने वाला है टाइम पीरियड उसका खत्म होने वाला है तो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा तो रिन्यू कराने के लिए भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा रिन्यू का कोई फॉर्म होगा साथ में आपको फीस भरनी पड़ेगी जो कि पांच से ज्यादा नहीं हो सकती है ठीक है और उसमें एक और पॉइंट है कि आपको ये कब अप्लाई करना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए मीन्स जब आप का, जब आप अप्लाई कर रहे हो रिन्यूअल के लिए जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हो और जिस डेट को आपका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है इन दोनों के बीच में कम से कम पैंतालीस दिन का अंतर होना चाहिए ठीक है तभी आप अप्लाई कर सकते हो लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए ठीक है अप्लाई करने के लिए जब आप पहली बार सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनते हो तो पच्चीस हजार से ज्यादा फीस नहीं होती है और जब आप रिन्यू करवाते हो तो पांच हजार से ज्यादा फीस नहीं होती है ये आपको पे करनी पड़ती है देन प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस कंट्रोलर को अगर लगता है कि एप्लीकेशन जब उसके पास आ गई कि एक पर्सन कह रहा है मैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनना चाहता हूँ या फिर कोई ज़रूरी नहीं कि इंडिविजुअल हो कोई फर्म भी हो सकती है कि अगर वो कह रही कि हम सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनना चाहते हैं तो उस केस में अगर कंट्रोलर को लगता है कि हाँ भाई सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं सब कुछ ठीक है तो वो लाइसेंस ग्रांट कर देता है लेकिन अगर उनको लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है या सही नहीं है तो वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है ठीक है लेकिन आप जब भी आप कोर्ट में होते हैं मतलब मीन्स अगर कोई पर्सन कोर्ट में होता है कोर्ट में सबसे पहले किसी पर्सन को अगर सजा भी सुनाई जाती है तो पहले उसे मौका दिया जाता है सजा सुनाने से पहले जज

कैंसिल करना कंट्रोलर क्या होता है वो कभी भी किसी भी लाइसेंस को रिवोक कर सकता है सस्पेंड कर सकता है कैंसिल कर सकता है अगर उसको लगता है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि गलत है या गलत इंफॉर्मेशन दी है ठीक है या फिर उसने टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ उसको कंप्लाई नहीं करा है उसको तोड़ा है या फिर उसने फेल टू मेन्टेन द प्रोसीजर्स अगर जो सेक्शन थर्टी में जो स्टैंडर्ड या प्रोसीजर दिए गए हैं अगर उसने उसे मेंटेन नहीं करा है या फिर उसने एक्ट के किसी भी प्रोविजन को तोड़ा है तो उस केस में कंट्रोलर उसके कैंसल उसके लाइसेंस को जो है वो सस्पेंड कर सकता है लेकिन इसमें भी वही पॉइंट है कि आप किसी के लाइसेंस को तब तक सस्पेंड नहीं कर सकते जब तक आपको उसे रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ना दी गई हो तो सस्पेंड करने से पहले आपको एप्लीकेंट को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसे मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपने केस को प्रेजेंट कर सके ओके देन कंट्रोलर में इफ ही अ अ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट देयर इज एनी ग्राउंड फॉर रिवोकिंग लाइसेंस अगर कंट्रोलर को लगता है अभी लाइसेंस उसने कैंसिल नहीं करा है लेकिन अगर कंट्रोलर को लग रहा है कि इसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है इसका ग्राउंड बन रहा है कैंसिल होने का तो अभी क्या होता है एकदम से कैंसिल नहीं होता है इंक्वायरी बैठती है तो अभी इंक्वायरी चल रही है तो इंक्वायरी चलते के दौरान उसका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड ही माना जाएगा और वो जो वो जो सस्पेंड है दस दिन से ज्यादा नहीं हो सकता ठीक है मीन्स आप उसके लाइसेंस को दस दिन तक एक्सपेंड कर सकते हो अगर आपने उस पर्सन को जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं दी बोलने की ठीक है मीन्स अनलेस सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज नॉट बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी तब आप सिर्फ दस दिन तक ही सस्पेंड कर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकते ओके सर्टिफाइंग अथॉरिटी हूज लाइसेंस हैज बिन सस्पेंडेड शेल नॉट इशू एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ठीक है जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है ठीक है वो तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकती है ओके इन केस अगर वो करती भी है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट अब आ जाओ नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस ठीक है अब लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो गया है तो उसके रिगार्डिंग सर्टिफाइंग अथॉरिटी वेयर द लाइसेंस ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज सस्पेंडेड और रिवोक्ड रिवोक्ड भी कैंसल ही होता है द कंट्रोलर shall पब्लिश द नोटिस अब कंट्रोलर को सबको बताना पड़ता है ना कि मैंने इस सर्टिफाइंग अथॉरिटी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है या रिवोक कर दिया है ठीक है तो उसको क्या करना पड़ेगा बताने के लिए उसे एक नोटिस पब्लिश करना पड़ेगा किसमें अपने डेटाबेस मैंने बताया था ना कि वो सबसे पहले जब सर्टिफाइंग अथॉरिटी का डेटाबेस एक मेंटेन करती है तो उसी में एक नोटिस डालना पड़ेगा कि इस इस सर्टिफाइंग अथॉरिटी का हमने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है ठीक है वे वन और मोर रिपोजिटरीज आर स्पेसिफाइड द कंट्रोलर शेल पब्लिश द नोटिस ऑफ सच सस्पेंशन और रेवोकेशन एज द केस मे बी इन ऑल द सच रिपोजटरीज ठीक है रिपोर्जरीज होता है की मीन्स uh, वो लोग जिनके पास डेटा होता है uh, सारी मतलब मित, मित, जितने भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू हुए हैं ठीक है तो वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अपने पास डेटा रखना पड़ता है उस चीज के रिगार्डिंग तो इन केस अगर एक से ज्यादा रिपोजिटरीज है तो कंट्रोलर को क्या करना पड़ेगा वो सारा वो वाला जो नोटिस है सस्पेंड करने का वो उनको भी देना पड़ेगा ठीक है प्रोवाइडेड दैट द डेटा बेस कंटेनिंग द नोटिस ऑफ सच सस्पेंशन और रेवोकेशन एज द केस मे बी शैल बी मेड अवेलेबल थ्रू अ वेबसाइट विथ शैल बी एसेसेबल राउंड द क्लॉक ठीक है और जो uh, कंट्रोलर है जिसने अपने डेटाबेस में ये नोटिस दिया है कि हमने इस सर्टिफाइंग अथॉरिटी का नोटिस जो है वो कैंसिल कर दिया है तो उसे उसे अपनी वेबसाइट में भी डालना पड़ेगा और वो जो वेबसाइट है वो कभी भी कोई भी एक्सेस कर सकता है कोई भी पब्लिक एक्सेस कर सकती है राउंड द क्लॉक राउंड द क्लॉक मतलब कभी भी रात के 12 बजे भी रात के 2 बजे भी मतलब हर समय आप उसे एक्सेस कर सकते हो उस डेटाबेस को प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कंट्रोलर में इफ़ यू कंसिडर नेसेसरी अगर उसको लगता है कंट्रोलर को वो डेटा के अलावा भी किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उस नोटिस को पब्लिश कर सकती है अगर उसको लगता है ओके okay? अब पावर टू डेलीगेट द कंट्रोलर में इन राइटिंग ऑथोराइज डिप्टी कंट्रोलर असिस्टेंट पावर को किसी को भी मतलब डिप्टी कंट्रोलर को भी असिस्टेंट कंट्रोलर को भी डेलीगेट कर सकता है अगर उसको लगता है ठीक है मीन्स अपना काम किसी को भी वो आगे पास कर सकता है नेक्स्ट इज पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉन्ट्रावेंशन ठीक है कंट्रोलर खुद भी अगर उसको लगता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है सर्टिफाइंग अथॉरिटी में अथॉरिटी ने कुछ गड़बड़ करी है ठीक है तो वो खुद भी कंट्रोलर खुद या फिर वो किसी भी और पर्सन को ऑथोराइज कर सकता है किसी डिप्टी कंट्रोलर को या असिस्टेंट कंट्रोलर को कि जाओ और जाके इस कॉन्ट्रावेंशन को इन्वेस्टिगेट करके आओ चेक करके आओ कि कहाँ गड़बड़ हुई है देन नेक्स्ट इज एक्सेस टू कंप्यूटर एंड डेटा अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप ऐसे ही तो जाके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते ना अब जो असिस्टेंट कंट्रोलर है या फिर डिप्टी कंट्रोलर है उनको क्या करना होगा उनको कंप्यूटर्स को एक्सेस करना पड़ेगा डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा ना ये चेक करने के लिए कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है तो वो क्या कर सकते हैं वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को या किसी भी डेटा को या किसी भी ऑपरेटर्स को जाके चेक कर सकते हैं और अगर वो चाहें तो किसी भी पर्सन इन चार्ज मींस अगर वो कहीं कहीं पर गए इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो अगर उस कंप्यूटर सिस्टम का या उस ऑपरेशन का कोई इंचार्ज है पर्सन तो वो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं उसको भी कह सकते हैं कि आप हमारी हेल्प करिए हमें ये डेटा चाहिए ओके तो उनको वो डेटा जो है वो मिल जाएगा दैन नेक्स्ट इज सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू फॉलो सर्टिन प्रोसीजर्स अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी को भी कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं ये सेक्शन थर्टी के अंडर है अगर वो ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा कैंसिल कर दिया जाएगा अब उनको क्या क्या करना पड़ता है उनको ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज़ करना पड़ता है जो कि बिल्कुल सिक्योर हो और जिसका मिसयूज ना हो सके ओके और उनको अपनी सर्विसेज बहुत रिलायबल देनी पड़ती है मींस आप किसी को ऐसे नहीं है कि आप किसी को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इशू कर रहे हो सर्टिफिकेट ठीक है और आप वो किसी और को भी बता रहे हो उसकी पब्लिक की या प्राइवेट की किसी और को भी बता रहे हो तो मींस आपकी जो सर्विसेज होनी चाहिए वो रिलायबल होनी चाहिए ठीक है उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल सिक्योर होनी चाहिए और आप पूरे सिक्योरिटी प्रोसीजर्स फॉलो करो ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की सीक्रेसी और प्राइवेसी को मेनटेन कर सकें अगर आप इसमें गड़बड़ करते हो तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा अब इसमें दो पॉइंट्स हैं सी ए और सी बी देखिए अगर आपने पीछे देखा होगा तो मैंने सेक्शन ट्वेंटी नहीं करवाया आपको जो सेक्शन ट्वेंटी है ना वो ओमिट कर दिया गया है अब वो आईटी एक्ट टू आईटी एक्ट का हिस्सा नहीं है उसे खत्म कर दिया गया है अब उस सेक्शन में क्या था उस सेक्शन में ये था कि जो कंट्रोलर था वो रिपोजिटरी था ओके okay? लेकिन अब उसे खत्म कर दिया गया है रिपोजिटरी का मतलब होता है कि जितने भी डिजिटल सिग्नेचर या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इशू होंगे उन सब का रिकॉर्ड कंट्रोलर के पास होगा लेकिन अब उस सेक्शन को खत्म कर दिया गया है अब क्या कर दिया गया है उस सेक्शन को खत्म करके ये दो पॉइंट सी ए और सी बी यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं जिसमें जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसको रिपोजिटरी बना, बना दिया गया है मीन्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू होंगे उस सबका रिकॉर्ड किसके पास होगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास होगा ओके और

सेक्शन थर्टी वन कहता है एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी शेल इंश्योर डेट एवरी पर्सन एम्प्लॉयड मीन्स जो भी लोग सर्टिफाइंग अथॉरिटी के काम में लगे हैं वो सारे एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करें ठीक है अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान मतलब अपने काम के दौरान जितने टाइम तक वो उस काम में लगे हैं मतलब उनको सारे प्रोविजन्स को फॉलो करना ही करना है अदरवाइज उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस अब एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी को एक पर्सन को सर्टिफाइंग अथॉरिटी का लाइसेंस मिल गया है तो उनको अपना लाइसेंस जो है उस जगह पे लगाना पड़ेगा जहां पे वो बिजनेस करते हैं अब कॉन्स्पेशियस प्लेस का मतलब होता है कॉन्सपेशियस का मतलब जहां पे इजीली विजिबल हो आपको अपनी बिजनेस की जगह पे उस जगह पे लाइसेंस को पेस्ट करना पड़ेगा जहां पे उसे इजीली पब्लिक देख सके मतलब लोग जो भी आए उसे एकदम से सामने नजर पड़े देन नेक्स्ट इज सरेंडर ऑफ लाइसेंस अब अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है कैंसिल कर दिया गया है तो उसको क्या करना पड़ेगा अपना जो लाइसेंस है वो कंट्रोलर के पास जाके सरेंडर कर देना पड़ेगा मीन्स दे देना पड़ेगा वापस वेयर एनी सर्टिफाइंग अथॉरिटी फेल्स टू सरेंडर अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी लाइसेंस कैंसिल होने के बाद अपना लाइसेंस जाके कंट्रोलर के पास जाके नहीं डिपॉजिट करवाती है तो उस केस में उसको सजा हो सकती है जो कि छह महीने तक हो सकती है फाइन हो सकता है जो कि दस हजार तक तो हो सकता है या फिर ये दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं ओके okay? अब नेक्स्ट है सेक्शन थर्टी फोर ये कहता है डिस्क्लोजर अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है डिस्क्लोज होता है बताना पड़ता है अब उनको क्या क्या चीजें बतानी पड़ती हैं सबसे पहले उनको अपना ही उनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उनको वो शो करना पड़ता है सेकेंड उनको सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है ये मैंने पहले बताया है, क्या होती है ओके okay, और अगर उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है या रिवोक कर दिया गया है तो उनको उसका नोटिस भी शो करना पड़ता है कि हाँ भाई हमारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है या फिर कोई भी ऐसी मटीरियलिटी का मतलब होता है मटीरियली का मतलब होता है इम्पोर्टेंट कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उनको वो भी शो करनी पड़ती है वो चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं नेक्स्ट इज वी आर इन द ओपिनियन ऑफ़ सर्टिफाइंग अथॉरिटी एनी इवेंट हैज़ अकर्ड और एनी सिचुएशन हैज़ अराइजन विच मे मटीरियली और एडवर्सली इफेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इट्स कंप्यूटर सिस्टम अब देखो अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लगता है कि कुछ ऐसा हो गया है कंप्यूटर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई है या फिर जिन कंडीशन में आपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया है उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी दो काम करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी का ये फर्ज बनता है वो उस पर्सन को नोटिफाई करेगा उस पर्सन को बताएगा जिस पर्सन के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उस गड़बड़ी का ठीक है उसको बताएगा सेकेंड थिंग वो अपनी सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट में उस सिचुएशन को लिखेगा कि क्या सिचुएशन आई और हमने इसको कैसे डील करा तो ये दोनों चीज़ें उसे मेंशन करनी पड़ेगी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी ओके okay? सो so ये थे हमारे प्रोविजन सर्टिफाइंग अथॉरिटी के अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप पूरा लिख सकते हैं ठीक है तो कहीं पर भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे सो आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इनकेस अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हाँ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो थैंक यू